रीटेंस एंड कॉम्पोजिशन बजहिर दो बड़े मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं लेकिन ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है ये किस तरीके से क्लोजली रिलेटेड है कि जब एक ऑब्जेक्ट बनता है फॉर एग्जाम्पल जब एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसमें बेस क्लास का ऑब्जेक्ट उसके बीच में उसके साथ जुड़ा होता है उसके साथ बनता है साथ में बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और वो एक ऑब्जेक्ट उस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ बन जाता है और उसके साथ जुड़ जाता है जो कि उसके प्राइवेट मेंबर एक तरीके से बन जाता है बाहर से किसी को एक्सेसिबल नहीं होता एक्सक्लूसिव होल्डिंग उसकी होती है, और कंपोजिशन में भी यही हो रहा होता है कंपोजिशन में भी जो कंपोज्ड कंपोनेंट्स हैं वो होल का हिस्सा होते हैं उसके एक्सक्लूसिव ओनरशिप में होते हैं और उसका लाइफ टाइम जो है वो होल कंट्रोल कर रहा है इनहेरिटेंस में भी लाइफ टाइम जो है जो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट जो बना है चाइल्ड क्लास के साथ उसका लाइफ टाइम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट कंट्रोल कर रहा है तो जो कॉम्पोजिशन में भी जो होल जो क्लास का ऑब्जेक्ट है वो पार्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स की लाइफ टाइम को कंट्रोल कर रहा है तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हैं उसकी जो सिंटैक्टिकली थिंग्स आर स्लाइटली डिफरेंट लेकिन बहरहाल कॉन्सेपच्चुअली इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है इसीलिए कहा जाता है कि जो इनहेरिटेंस से जो लिंक्स क्रिएट होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स होते हैं वो कपलिंग स्ट्रांग होती है तो आ, वो कपलिंग उसी तरीके से होती है उसी उसी तरीके से लिंक होते हैं जिस तरीके से जो आपके कंपोजिशन के लिंक्स होते हैं अगर ज़रा थोड़ा सा इसको हम कंस्ट्रक्टर को ज़रा एक नज़र दौड़ाएँ दोनों के कंस्ट्रक्टर के तो जब हम इनहेरिटेंस के, के केस में हम देखते हैं तो आप देखें कि सिंटेक्टिकली जो इसकी जो चीज़ है ये बड़ी ही सिमिलर है ऑलमोस्ट द टॉप पोर्शन सेम फॉर इनहेरिटेंस एज वेल एज कॉम्पोजिशन कोई इसमें आपको खास फर्क नजर नहीं आता इनहेरिटेंस केस में आपको बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर आपको कॉल करना पड़ता है और वो आपको पैरामीटर्स उस तरीके से इन द केस ऑफ कॉम्पोजिशन आप जो कंपोज कंपोनेंट्स हैं उनके कंस्ट्रक्टर आप कॉल करते हैं जो आपकी जब आप उसको कंस्ट्रक्टर आप कर रहे हैं तो ये देखने में और इसके स्ट्रक्चर में दे आर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम एंड एक्चुअली इसका बिहेवियर भी बड़ा सिमिलर है जिस तरीके से मैं पहले बात कर चुका हूँ कि वो उसके बीच में और उसका लाइफ टाइम वो खुद उसके साथ कंट्रोल होता जो डिफरेंस है इनहेरिटेंस के लिए इनहेरिटेंस और कंपोजिशन में वो ऑब्वियसली उसके सेन्टेक्स में और द वे इट इज़ यूज द मेन एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस ओवर कंपोजिशन इज दैट इट अलाउज ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्राइव क्लास टू बी डायनेमिकली बाउंड इन द सेम हायरार्की एज इट्स बेस क्लास तो यहाँ पर जब हम ऐसे करते हैं तो हमें एक इससे हमें जब इनहेरिटेंस के थ्रू हमें एक पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर मिल जाता है वो डायनामिक बाइंडिंग होती है तो हमें पॉलीमॉर्फिज्म की पावर यहां पर मिल जाती है जो कि कॉम्पोजिशन में ये चीज अवेलेबल नहीं होती वहां पर आपको एक्सप्लिसिटली आपको बताना पड़ता है कि आप किस का मेथड आप कॉल कर रहे हैं सो केस ऑफ इनहेरिटेंस इट इज आल्सो नेसेसरी वेयर वर्चुअल मेथड्स मस्ट बी ओवर डिराइव क्लास कंपोजिट एग्रीगेट कैन नॉट डू दैट तो ऑटोमेटिकली uh, वो मेथड्स को इनहेरिट कर लेता है जब आप इन्हरटेंस uh, यूज कर रहे हैं और वो उन मेथड्स को uh, कोई भी जो भी उसका जो पब्लिक मेथड्स हैं कोई भी उसको एक्सेस करके आपको कर सकता है जबकि कॉम्पोजिशन में ऐसा नहीं है कॉम्पोजिशन में आपको इनडायरेक्ट आपको वो कोड लिख के आपको ये करना पड़ता है अदरवाइज आप नहीं कर सकेंगे और पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर नहीं आपको मिलता तो सिंटेक्स में आसानियां हैं कुछ उसकी प्रोग्रामिंग की पावर में आसानियां हैं लेकिन फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू फ्राम कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम अ लाइफ टाइम पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम अ विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू उसकी होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों केसेस में वो एक्सक्लूसिव होल्डिंग होती है दोनों केसेस में लाइफ टाइम उसकी कंट्रोल होल जो है वो पार्ट्स की लाइफ टाइम कंट्रोल कर रहा होता है और जो चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट है वो बेल्ड बेस्ट क्लास का जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट है उसके लाइफ टाइम को वो कंट्रोल कर रहा होता है बाकी अदरवाइज देर आर सिंथेटिक डिफरेंसेस लेकिन कॉन्सेपचुअली इस चीज़ को समझना ज़रूरी है